क्या सच में देवी चित्रलेखा ने मुस्लिम शख्स से शादी की? खुद बताई सच्चाई, सासू माँ के बारे में यह कह दी इतनी बड़ी बात, सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। प्रभावशाली और आकर्षक युवा कथावाचक देवी चित्रलेखा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन चित्रलेखा महज 26 साल की उम्र में ही बड़ी पहचान बना ली। टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक लोग उनकी कथा सुनते हैं, साथ ही उन्हें बड़ी संख्या में लोग फॉलो भी करते हैं। देवी चित्रलेखा इतनी कम उम्र में लोगों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर ली है। लोग मानते हैं कि उनके कंठ में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। उनकी वाणी से निकला एक एक शब्द लोगों के दिलो दिमाग पर खासा असर डालता है। देवी चित्रलेखा जितनी मधुर वाणी में जितने इनके फैंस हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इनकी खूबसूरती के भी दीवाने हैं। अक्सर उनकी खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसके वजह से वह चर्चा में बनी रहती है। इन दिनों देवी चित्रलेखा किसी और वजह से नहीं बल्कि अपनी शादी की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है। दरअसल कुछ दिनों से उन्हें लेकर के एक खबर फैल रही है कि देवी चित्रलेखा ने एक मुस्लिम शख्स से शादी की है। इसके बाद से ही उन्हें लेकर के लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं, और इसी बीच देवी चित्रलेखा की शादी का सच सामने आ गया। इसी के साथ इस बात का भी खुलासा हो गया कि देवी चित्रलेखा की शादी के बाद जीवन कैसा चल रहा है। अपनी सुंदरता से हर किसी का मन मोह लेने वाली देवी चित्रलेखा का जन्म हरियाणा के पल्लव स्थित खांबी गाँव में 19 जनवरी 1997 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम तुलाराम शर्मा और उनकी माता का नाम चमेली देवी है। देवी चित्रलेखा के एक बड़े भाई है जिनका नाम प्रत्यक्ष शर्मा है। देवी चित्रलेखा की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी। उनके बचपन से ही उन्हें पढ़ाई के अलावा भजन कीर्तन व उपदेश देने में रुचि थी। उनके दादा राधा कृष्ण शर्मा और दादी कृष्ण देवी का झुकाव भी आध्यात्मिक की तरफ ठीक था। ऐसे में देवी चित्रलेखा का भी इस ओर झुकाव बढ़ गया। जब देवी चित्रलेखा का जन्म हुआ तब उनके पिता ने कई साधु संतों और अपने घर पे आमंत्रित किया था, और स्वामी संघ ने उनके पिताजी से कहा था कि यह एक चमत्कारिक बच्ची है, वह निकटतम भविष्य में दुनिया भर के लोगों को एक महान प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में आश्चर्यचकित कर देगी। इसके कुछ समय बाद ही देवी चित्रलेखा के पिता शर्मा को बहुत ही जल्द इस बात का एहसास हो गया कि सच में वह कोई आम बच्ची नहीं है, और इसलिए उन्होंने महज 4 साल की उम्र में देवी चित्रलेखा को बंगाली गुरु श्री बैद भंडारी बाबा जी के आश्रम में गोंडी और वैष्णववाद में भेज दिया था। इतनी सी उम्र में वह घर से बेहद दूर रहने लगी, और आश्रम में रह करके देवी चित्रलेखा ने आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त की और साथ साथ कथा वाचन भी सीखा। आपको जानकर के हैरत होगी कि देवी चित्रलेखा ने महज 4 साल की उम्र में धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। वह 6 साल की थी तब उनकी एक माता पिता उन्हें लेकर के ब्रज नामक ही संत रमेश बाबा के सत्संग में पहुँचे। सत्संग खत्म होने के बाद रमेश बाबा ने देवी चित्रलेखा को माइक थमाया ताकि वह कुछ कह सके। उन्होंने कई घंटे अपने आध्यात्मिक विच सभी के सामने रखे, जिसको सुन करके वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह वही पल था जब नन्ही सी उम्र में देवी ने कथा करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि महज 9 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। वो कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ भगवद गीता के उपदेश भी दिए। इसके बाद देवी चित्रलेखा ने विभिन्न समारोह में कथा में प्रवचन देना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के पास तपोवन में उनके गुरुजी ने उनकी पहली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, लेकिन उस वक्त देवी चित्रलेखा काफी छोटी थी और इसलिए उनके माता पिता इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं थे कि उनकी बेटी इतनी कम उम्र में ये कथा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उनके गुरु को उन पर पूरा विश्वास था और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से 7 दिवसीय कथा पूरी की। रोजाना करीब 11,000 से ज्यादा लोग उनकी कथा सुनने जाया करते थे। वक्त के साथ वो भारत की मशहूर कथावाचक में से एक बन गई। विभिन्न धार्मिक टीवी चैनलों पर उनकी कथाओं का प्रसारण होने लगा। अक्सर कथा और प्रवचनों में उनकी आंखें भर आती हैं। साल 2019 में देवी चित्रलेखा का नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आध्यात्मिक और युवा उपदेशक के रूप में दर्ज हो चुका है। देवी चित्रलेखा पशु प्रेमी भी हैं। वह कथा और प्रवचन के आध्यात्म बेसहारा और घायल गायों की सेवा भी करती हैं। इनके आश्रम में करीब 450 गायों की सेवा की जाती है। 10 मार्च 2008 को देवी चित्रलेखा ने हरियाणा के पल्लव में ही विश्व संकीर्तन यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि हिंदू संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखा जा सके। साथ ही 2013 में उन्होंने पल्लव में ही गौ सेवा धाम अस्पताल की शुरुआत भी की थी, जो घायल बेसहारा गायों का इलाज करता है। वहीं देवी चित्रलेखा की निजी जिंदगी पर नजर डाले तो महज 20 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली थी। देवी चित्रलेखा ने 23 मई 2017 को माधव तिवारी नामक शख्स से अपना विवाह किया था और उनको अपना जीवन साथी बनाया। इन दोनों ने ही पल्लव की गौ सेवा अस्पताल में शादी रचाई थी। शादी के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी थी कि उन्होंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो लोग सत्य जानते हैं उन्हें पता है कि उनके पति ब्राह्मण परिवार से ही हैं तथा उनका नाम माधव तिवारी है। लोग उन्हें माधव प्रभु के नाम से जानते हैं। माधव प्रभु मूल रूप से छत्तीसगढ़ के
बिलासपुर के रहने वाले हैं और वो ब्राह्मण कुल से हैं। माधव तिवारी कश्यप गोत्र के हैं। उनके पिता माधव तिवारी भी आम लोगों की तरह देवी चित्रलेखा की वाणी से प्रभावित हैं। वह भी कई धार्मिक आयोजन में उनके साथ खड़े नजर आते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट शो के दौरान देवी चित्रलेखा ने बताया कि शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी चल रही है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि माधव तिवारी से उनकी पहली मुलाकात देवी चित्रलेखा पहली मुलाकात करें तो चित्रलेखा ने कहा कि उनके पति अपने माता पिता के साथ उनकी कथा सुनने आया करते थे। इस दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर परिवार की सहमति से दोनों ने शादी भी कर ली। जब हमसे यह सवाल किया गया तब आपकी कथा खत्म हो चुकी थी, तो क्या आप घर जा करके बाकी बहुओं की तरह अपने सास ससुर की सेवा करती हैं या अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सच्चाई बताऊं तो मुझे बचपन से इतना ज्यादा प्यार मिला है कि मुझे कभी किसी से यह सब काम करने ही नहीं दिया। पापा ने मुझे बस हमेशा पढ़ने के लिए कहा। अब भगवान की कृपा से मुझे माँ जैसी सास मिली है। मेरी शादी को इतने साल हो गए लेकिन उन्होंने मुझे आज तक चाय या खाना बनाने के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरी सास ही मेरे लिए कभी कभार चाय बनाती है। हम दोनों का रिश्ता काफी मधुर भी है। वैसे देवी चित्रलेखा ज्यादातर अपनी कथाओं और समाज सेवा में व्यस्त रहती है। उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर कई मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। वो भारत के अलावा अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी सत्संग कर चुकी हैं। आपको देवी चित्रलेखा की कथा और उनके प्रवचन कैसे लगते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो लोग ये समझते हैं कि देवी चित्रलेखा ने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है। राधे राधे।